देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व यानी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। बड़ी संख्या में जहां मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं, वहीं कई पार्टियों और उनके हजारों प्रत्याशियों की किस्मत भी इन चुनाव में दांव पर लगी है। तो वहीं इस बार कई करोड़पति प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चलिए जानते हैं ऐसे टॉप 5 कैंडिडेट्स के बारे में। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नवीन जिंदल सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। नवीन जिंदल की ओर से चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 1,241 करोड़ रुपए है। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार वेंकट रमाने गोड़ा की कुल संपत्ति 622 करोड़ से अधिक है। उम्मीदवारों की संपत्ति का खुलासा नामांकन के द्वारा उनके द्वारा दिए गए हलफनामे से होता है। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे वेंकट रमाने गोड़ा 622 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार है। तो वहीं मशहूर अभिनेत्री और मथुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी सबसे अमीर उम्मीदवार है। हेमा 278.9 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी लोकसभा सीट से बीजेपी ने अनुराग शर्मा को टिकट दिया है। वो श्री बैगनाथ आयुर्वेद भवन प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त प्रबंधक निदेशक है। उनके हलफनामे के अनुसार कुल संपत्ति 212 करोड़ है। उनकी चल संपत्ति की कीमत 95 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत 116 करोड़ रुपए से अधिक है। तो वहीं निलेश भगवान सांबरे महाराष्ट्र के भिवंडी लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। सांबरे के पास 116 करोड़ की संपत्ति है। इसमें 32.7 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और लगभग 83.3 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है।